को यहां पे बुलाए जिसका पास टाइम इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको और मेरे को देने के लिए रोज उठ के आते हैं। दोस्तों ये वो इंसान है जिन्होंने हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की इस बीमारियों का इलाज अब तक कर चुके हैं और आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि आज के इस प्रोग्राम के द्वारा आपके पास भी ये जो बीमारियां हैं वो निकल जाएगी। बिजनेसमैन प्यार से उन्हें कहते हैं नायर ऑन फायर। लेडीज एंड जेंटलमैन पुट योर हैंड्स टुगेदर वन एंड ओनली मिस्टर संतोष नायर। बहुत खुशी है आपके साथ वक्त को इन्वेस्ट करते हुए अपॉर्चुनिटी मल्टीप्लायर सेक्सी सब्जेक्ट वंडरफुल सब्जेक्ट। हर आदमी यू नो हर आदमी पैसा बनाना चाहता है यस और नो यू नो हर आदमी एक जबरदस्त टीम बनाना चाहता है हर आदमी जबरदस्त टैलेंट को एक्वायर करना चाहता है अपना टीम को बढ़िया बनाने के लिए हर आदमी यू नो नए प्रोजेक्ट्स को यू नो स्टार्ट करना चाहता है यू नो इमीडिएटली नया टेक्नोलॉजी इन्वेंट करना चाहता है हर आदमी अगर बस चले तो मैराथन भागना चाहता है 21 किलोमीटर 6 किलोमीटर 42 किलोमीटर 89 किलोमीटर हर आदमी मैराथन भागना चाहता है यू नो देयर आर एवरीडे अपॉर्चुनिटी जैसे देवांग कारिया साहब ने कहा कि देयर आर यू नो हर दिन नया इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने का अपने पास अपॉर्चुनिटी है अपने पास अपने पर्सनल कैपेबिलिटी को बिल्ड करने की अपॉर्चुनिटी है मेरी लीडरशिप स्किल्स को मैं बढ़ा सकता हूँ मेरी सेलिंग स्किल्स को मैं बढ़ा सकता हूँ मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स को मैं बढ़ा सकता हूँ मेरा इंटरपर्सनल स्किल्स को मैं बढ़ा सकता हूँ मेरा नेगोशिएशन स्किल्स को मैं बढ़ा सकता हूँ मेरा पीपल मैनेजमेंट स्किल्स को मैं बढ़ा सकता हूँ मेरा चैलेंज लेने की कैपेसिटी को मैं बढ़ा सकता हूँ ऐसे कई पर्सनल कैपेबिलिटीज को मैं लगातार पिछले यू नो अगर मैं 47 बरस का हूँ और अगर आप 40 बरस के हैं तो 47 बरस से ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास था और 40 बरस से आपके पास ये अपॉर्चुनिटी था है और हमेशा रहेगा हमेशा रहेगा यू नो जस्ट रीड इट लाउडली अपने पास और क्या अपॉर्चुनिटी है रीड इट लाउडली लास्ट वाला हाँ बिल्डिंग ये एक अपॉर्चुनिटी और ये एक अपॉर्चुनिटी है सेइंग गुड बाय और स्ट्रेंथनिंग द रिलेशनशिप वर्किंग ऑन स्ट्रेंड रिलेशनशिप मतलब आज मेरा और आपका यू नो मेरा और अगर शर्मा साहब का अगर मेरा 36 का आंकड़ा है कई जमाने से तो मेरे पास आज ये अपॉर्चुनिटी है इस 36 का आंकड़े को सॉल्व करने का या इस प्रॉब्लम को या इस रिश्ता जो टूटा हुआ है इस रिश्ते को जोड़ने का आज मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। आज अगर मेरा भाई के साथ रिश्ता टूटा हुआ है मेरे पार्टनर के साथ रिश्ता टूटा हुआ है उसके साथ आज रात को जाके पिंकू डिनर करके अपने को वो सिचुएशन को सॉल्व करने का अपने पास आज अपॉर्चुनिटी है। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी आज मेरे पास वेट रिडक्शन का अपॉर्चुनिटी है यू नो जिग्ना इफ आई हैव टू रिड्यूस माय वेट तो मेरे पास आज अपॉर्चुनिटी है मेरे पास आज अपॉर्चुनिटी अगर मैं 90 किलो का हूं तो 70 किलो पे आने का मेरे पास अपॉर्चुनिटी है मेरे पास अपॉर्चुनिटी है बाइंग ऑफ अ वंडरफुल ऑफिस मेरे पास अपॉर्चुनिटी है ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरे पास अपॉर्चुनिटी है अपने कंपनी में प्रोफेशनल्स और बढ़िया बढ़िया इंसान बढ़िया बढ़िया लीडर लोग को लाने का और कंपनी को प्रोफेशनलाइज करने का मेरे पास अपॉर्चुनिटी है एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस डालने का मेरे कंपनी में रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेल्स प्रोसेस ऑपरेशनल प्रोसेस को डालने का मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। आज यहां पर 23 जून को मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है एक नया मार्केट को खोलने का मेरे पास अपॉर्चुनिटी है मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। हाउ मेनी पीपल फ्रॉम इंश्योरेंस इंश्योरेंस में से कोई है तो आज MDRT बनने का COT बनने का या TOT बनने का आज मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। आज मेरे पास अपॉर्चुनिटी है इन टेलीफोन कॉल करने का सेल्स कॉल पे आज मार्केट में जाने का आज मेरे पास अपॉर्चुनिटी है बड़े क्लाइंटों के पास जाने का क्योंकि आजकल मैं छोटे छोटे क्लाइंटों के पास जाके छोटा प्रीमियम या छोटा म्यूचुअल फंड बेचता हूँ तो मेरे पास बड़े क्लाइंटों के पास जाके आज जो बड़े क्लाइंट के पास जाके बड़ा प्रीमियम का कार्यक्रम चलाना
बनाने का मेरे पास अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि मैं छोटे छोटे फ्लैट्स बेचता हूँ, 2 बेडरूम 4 बेडरूम जयसिंह कपाड़िया, और आज मेरे पास अपॉर्चुनिटी है 5-5 करोड़ का फ्लैट को बेचने के लिए, और उस तरह का इंसानों के साथ उठना बैठने के लिए। आज मैं समझो अरिहंत में एयर कंडीशन बेचता हूँ 1 करोड़ का, आज मेरे पास 10 करोड़ का बेचने का अपॉर्चुनिटी है। मेरे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है टू सेट माई गोल्स, मेरा जीवन का पूरा लक्ष्य और गोल सेट करने का मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, स्टार्टिंग अ न्यू डिविजन, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है। कैश डीलिंग बंद आज करने का अपॉर्चुनिटी है, कैश में धंधा ना करने का। अगर मैं धंधे वाला हूं तो कैश में धंधा ना करने का और अपनी कंपनी को हमेशा के लिए एक अलग सा लेवल पे लेके जाने का और इन्फोसिस और एशियन पेंट्स के मार्फत बनाने का एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कैश का डीलिंग वाले का कभी नाम नहीं होता, अगर हुआ तो भी उसका तकलीफ होता है। आज मेरे पास ये बंद करने का अपॉर्चुनिटी है। एक जबरदस्त एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को रख के करीबन 50-60% मेरा टाइम बचाने का मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। और मेरे पास जितने भी अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी ना करने का मेरे सामने अपॉर्चुनिटी है। मेकिंग अ बिजनेस प्लान, एक जबरदस्त बिजनेस प्लान, अगर आप गुरुकुल में, हाउ मेनी पीपल फ्रॉम गुरुकुल, आई हैव सीन सम पीपल, या गुरुकुल, यू नो गुरुकुल में आज एक बिजनेस प्लान सक्सेस मल्टीप्लिकेशन स्ट्रेटजी शीट बनाने का आपके पास अपॉर्चुनिटी है, और आपके पास अपॉर्चुनिटी है कंपनी का एक विजन डॉक्यूमेंट बनाने का, आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्रिएट करने का, आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है आपका मैनेजर और लीडर लोग का अच्छा बढ़िया रिव्यू प्रोसेस को आज से चालू करने का आपके पास अपॉर्चुनिटी है। और आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जो अंग्रेजी बात नहीं करते हैं, यू नो इंग्लिश सीखने का इस उम्र और इस टाइम से बढ़िया कोई उम्र और टाइम नहीं है, और आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एक हाउसवाइफ और एक बिजनेस चालू करना चाहती हो तो आज दोपहर को 2:30 बजे बढ़िया अच्छा मुहूर्त है, आज एक अपॉर्चुनिटी है। आज दोपहर को 2:30 बजे तुम्हें बिजनेस चालू करने का, इफ यू आर एन हाउस, हाउ मेनी हाउसवाइफ या इधर बैठी हुई हर हाउसवाइफ के सामने एक जबरदस्त अस्तित्व बनाने का, अपना नाम और अपना यू नो बैकग्राउंड बनाने का आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आज अपॉर्चुनिटी है उस आइडिया को खेलने का, जिस आइडिया से अपना टर्नओवर डबल हो जावे, आज अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। हाउ मेनी पीपल फ्रॉम एमएलएम बिजनेस आज तुम्हारे बिजनेस में एक डायमंड बनने का तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है। आज तुम्हारा ट्रस्ट को मार्केट में बढ़ाने का और वर्ड ऑफ माउथ को इम्प्रूव करने का तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, और तुम्हारा कंपनी और तुम्हारा खुद का एक ब्रांड बनाने का अपॉर्चुनिटी है। फिर ऐसा क्यों ये रोज अपने हाथ से निकलती जाती है? Why have we missed many of, इसमें से मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं तो करीबन और 200-300-400 अपॉर्चुनिटी सामने डाल दूं, लेकिन ये सब रोज सुबह शाम दोपहर हर महीना हर दिन हर डेकेड में ये अपॉर्चुनिटी था। 25 बरस की उम्र में ये सब करने का अपॉर्चुनिटी था, 37 की उम्र में ये अपॉर्चुनिटी था, है वजन तब भी कम करने का अपॉर्चुनिटी था आज से 5 साल पहले, वजन आज भी कम करने का अपॉर्चुनिटी है। देन व्हाई इज दैट वी हैव मिस्ड ऑल दिस एंड many opportunities? Raise your hand and tell me why have we lost these opportunities? क्यों? एक एक करके हाथ ऊपर करके बताइए कि हमारे सामने हजारों अपॉर्चुनिटीज दिन भर में आती है, हर महीने में आती है, हर चीज को अपने में कंप्लीट अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके बढ़िया इंसान बन के एक पीसफुल और प्रोग्रेसिव लाइफ बनाने के हमारे पास अपॉर्चुनिटी। यस मैम, लैक ऑफ कमिटमेंट की वजह से शायद हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज नहीं करने हो रहा है। यस मोदी साहब, वी आर नॉट सीरियस अबाउट इट। यस सर, लेजीनेस की वजह से। ओके, फेल होने का डेरिंग नहीं है मेरे पास, यस सर, नॉट फोकस्ड। यस सर, आलस। यस सर, कल देखेंगे। यस सर, अजीत, हम लोग सोचते रहते कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बराबर है कि नहीं। हाँ, हम ये सोचते रहते कि क्या ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है या नहीं, या नॉट विलिंग टू टेक रिस्क। यस सर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सपोर्टिव स्टाफ।
लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सपोर्टिंग स्टाफ. सपोर्टिंग स्टाफ को लेने का आपके पास अपॉर्चुनिटी था पिछले कई सालों में. जबरदस्त सपोर्टिव स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ को लेने का अपॉर्चुनिटी था, है और रहेगा. लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि ये तेरे पास आई क्यों नहीं है अभी तक? ये स्टाफ तेरे पास अभी तक क्यों नहीं आई? वो लीडर तेरे पास अभी तक क्यों नहीं आई? क्या नहीं है? 100% एफर्ट, स्ट्रगल और हार्डवर्क नहीं डालने के लिए पोटे. लैक ऑफ विजन. तो बनाया क्यों नहीं विजन? मैं ये बोल रहा हूँ कि विजन बनाया क्यों नहीं? जब तेरे को मालूम है कि विजन बनाना चाहिए धंधे में आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो विजन बनाया क्यों नहीं? ये मुद्दा ये है. ये लैक ऑफ सिस्टम. लैक ऑफ सिस्टम, मैं वही बोल रहा हूँ. सिस्टम डाला क्यों नहीं? वो अपॉर्चुनिटी था ना सिस्टम डालने का. Because एक साल पहले भी था, दो साल पहले भी था, तीन साल पहले भी था वो अपॉर्चुनिटी. आज शाम को 2:30 बजे के बाद ये प्रोग्राम खत्म होएगा तभी भी सिस्टम डालने का अपॉर्चुनिटी है. आज रात को है, कल है, फिर डालते क्यों नहीं है हम लोग? प्रॉब्लम क्या है ये उत्पल? लैक ऑफ इंटेंट. लैक ऑफ इंटेंट. तो इंटेंट को हम स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बनाते? अगर हमारा इंटेंशन नहीं है तो इंटेंशन को हम स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बनाते? क्यों बना नहीं पाते? यस, पता ही नहीं है इतनी अपॉर्चुनिटी है. पता ही नहीं है बोलता. लैक ऑफ पैशन एंड प्रॉपर एटीट्यूड. लैक ऑफ पैशन एंड प्रॉपर एटीट्यूड. नाउ व्हाई इज दैट द पैशन? पैशन को बढ़ाने के लिए 12 चीज करना पड़ता है, तो तूने क्यों नहीं किया? लैक ऑफ पैशन को बढ़ाने के लिए 12 चीज करना पड़ता है हर महीने में, तो पैशन बढ़ जाएगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो तूने किया क्यों नहीं? मुद्दा वो उठता है. वेट फॉर द राइट टाइम. We always wait for the right time for the opportunity. We are waiting for the right time. We are waiting for the right time. You know, we are waiting for the right time. Okay, fine. Yes. Lack of legacy. Lack of legacy. Okay. Thank you very much. Yes, Ajit. मोरत देख के करते हैं क्योंकि बचपन से मेरे को सिखाया गया बेटा कभी भी पितृपक्ष के बीच में नहीं करने का, 8 बजे के पहले नहीं करने का, अगर बिल्ली ने रास्ता काटा तभी नहीं करने का, अगर किसी ने पीछे से बुलाया तो नहीं करने का, घर से निकला तो वापस नहीं आने का. साले इतना सिस्टम डाल के अपना बजा के रखा हुआ है दुनिया ने कि साला आदमी कुछ कर ही नहीं पा रहा करने के पहले. उसको पुराने सभी सिस्टम प्रोसेसेस और कुछ भी करने के पहले उसको क्या क्या तैयारी करना चाहिए बचपन से उसको सिखाया गया, और यही सब रीजन है. थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स. लास्ट, चैलेंज उठाने का डेरिंग नहीं है. या चैलेंज लेने को डेरिंग नहीं है. वो डेरिंग की कलाकारी तूने बनाया क्यों नहीं? मुद्दा आज ये है. चैलेंज लेने के लिए डेरिंग चाहिए, ये तो कोई भी कुत्ता जानता है. तो तूने वो डेरिंग की कलाकारी को डेवलप क्यों नहीं की? मुद्दा ये है आज. क्यों नहीं हुआ? मुद्दा ये है. यस मैम. फियर ऑफ फेलियर, नॉट गोल ओरिएंटेड. फियर ऑफ फेलियर. फियर ऑफ फेलियर. ओके, फाइन. थैंक यू वेरी मच. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. वंडरफुल. एंड देयरफॉर आज ये प्रोग्राम द अपॉर्चुनिटी मल्टीप्लायर. वो डेरिंग नहीं करने की वजह से अपॉर्चुनिटी चली गई, वो आलस की वजह से वो अपॉर्चुनिटी चली गई, वो सिस्टम नहीं डाला बोल के वो अपॉर्चुनिटी चली गई, वो आदमी रिक्रूट नहीं किया बोल के अपॉर्चुनिटी चली गई, वो काम नहीं किया जिस काम के वजह से बच्चा पैदा हो सकता है, तो बच्चा पैदा नहीं हुआ, वो भी गया. अभी तो वारंटी भी खत्म हो गया. माय डियर फ्रेंड्स, योर ब्रेन इज केपेबल of taking you to great heights. Do you agree with me? This brain that you have, जो दिमाग है आपका, वो आपको जबरदस्त बुलंदियों पे लेके जा सकता है. और कौन सा भी इंडस्ट्री होवे और कोई भी टाइम होवे, अच्छा या बुरा टाइम, मार्केट बढ़िया चल रहा है या नहीं, ये दिमाग जो है तुम्हारे पास, ये तुम्हें बुलंदियों पे लेके जा सकता है. इट्स को ये ब्रेन कैन टेक यू टू ग्रेट हाइट्स. यू नो, ईच वन ऑफ यू सिटिंग आउट हियर, ईच वन ऑफ यू कुड हैव बीन अ साइंटिस्ट लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो स्कूल ही नहीं गया साला. You know, Alexander Graham Bell. Each one of you could have become 1850 patent अपने नाम पे रखने वाला Edison तुम बन सकते थे. 1850 patent अपने नाम पे ठोकने वाला
थॉमस एल्वा एडिसन तुम बन सकते थे, तुम्हारा ब्रेन इतना पावरफुल है, इसमें दो राय नहीं है लक्ष्मण जी। यही ब्रेन तुम्हें राइट ब्रदर्स बना सकता था और तुम्हारे नाम पे भी प्लेन को इन्वेंट करने का एक सर्टिफिकेट हो सकता था, और यही थी तुम्हें मैडम क्यूरी और व्हाटएवर हर हस्बैंड डिड वो तुम बन सकते थे, और यही ब्रेन तुम्हें पंडित पालुस्कर बना सकता था, एल्विस प्रेसली बना सकता था, इस तरह से उस्ताद अल्लाह राखा या एम एस सुबेलक्ष्मी तुम्हें ये ब्रेन जो तुम्हारा है ये बना सकता था। उसी तरह से तुम्हें ये ब्रेन लिटररी दुनिया में एक लिटररी दुनिया में तुम्हें रविंद्रनाथ टैगोर के मार्फत बना सकती थी। मुंशी प्रेमचंद तुम बन सकते थे, लियो टॉलस्टॉय तुम बन सकते थे, विलियम वर्ड्सवर्थ तुम बन सकते थे। इसी तरह से क्रिएटिव जीनियसेस लाइक एम एफ हुसैन तुम बन सकते थे, पिकासो तुम बन सकते थे, वैन गॉग तुम बन सकते थे। इसी तरह से तुम एक विजनरी जवाहरलाल नेहरू के मार्फत या अब्दुल कलाम के मार्फत या जे आर डी टाटा के मार्फत एक विजनरी तुम भी बन सकते थे, बन सकते हो, अभी भी बन सकते हो, और इसके माफ़द एक फ्रीडम फाइटर, मार्टिन लूथर किंग राइट्स के लिए लड़ने वाला लीडर तुम भी बन सकते थे, नेल्सन मंडेला तुम भी बन सकते हो, और गांधी तुम भी बन सकते हो, और इस तरह से तुम भी रतन टाटा बन सकते हो, तुम भी नारायण मूर्ति बन सकते थे, नरेश गोयल तुम भी बन सकते थे। एक दिन वो ऐसा खड़ा था, एक मैनेजर को उसने गाली दिया नरेश गोयल ने, और गाली देने की वजह से उसका नौकरी जाने वाला था, और उसका अंकल ने उसको बोला जॉर्डन में जा और उस मैनेजर से माफी मांग, उस लीडर से माफी मांग। उसने वहां से किस तरह से अपना करियर को, लाइफ को चेंज किया। मैं थोड़े दिन पहले टाइकून्स बोल के एक सीडी सुन रहा था, तुम्हारे पास भी धीरू भाई बनने का अपॉर्चुनिटी था, है और रहेगा। लक्ष्मी मित्तल या विजय मल्लिया या सुनील मित्तल बनने का तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है। Why did you miss the bus? मुद्दा यह उठता है कि हमारे हाथ से यह छूट कैसे गई। दिमाग अपने पास उतना ही है जितना लक्ष्मी मित्तल के पास है, उसका ज्यादा चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। दिमाग अपने पास भी उतना ही है जितना रतन टाटा के पास है, ऐसा नहीं है कि ज्यादा चलता नहीं। लेकिन तुमको मालूम है ना चलने वाली नैनो वो मार्केट में उतारने को रेडी है। तुम जब तक परफेक्ट नैनो नहीं बनाएंगे तुम उतारने को रेडी नहीं। जलने वाला इंजन वाला नैनो वो उतार देगा मार्केट में, लेकिन तुम साला अभी भी इंतजार में है इंजन को परफेक्ट करने के चक्कर। वो बोलता उतार बाद में परफेक्ट करते हैं। अगर ये एक डायलॉग तुम्हारा लाइफ को बदल सकता है तो यही आज आपका सबसे पढ़ेला डायलॉग है जो आपका लाइफ को बदल सकता है। वही ब्रेन जो तुम्हें टाटा बना सकता है, वही ब्रेन, द सेम पावर, द सेम पावर ऑफ द ब्रेन दैट कैन मेक यू अ टाटा इज द सेम ब्रेन एंड द सेम पावर द ब्रेन कैन वर्क अगेंस्ट यू। तुम्हारे खिलाफ तुम्हारा ही माइंड काम कर सकता है, तुम्हारे खिलाफ तुम्हारा ब्रेन काम कर। जो ब्रेन तुमको पिकासो बना सकता है, एम एफ हुसैन बना सकता है, धीरू भाई अंबानी बना सकता है, वही ब्रेन तेरे खिलाफ काम कर सकता है। जो ब्रेन तेरे को टीओटी या टॉप ऑफ द टेबल एज एन इंश्योरेंस एजेंट क्वालिफाई करा सकता है, वही ब्रेन तेरे को घर से बाहर निकलने का और एक टेलीफोन कॉल ना करने का प्रोत्साहन भी दे सकता है। वही ब्रेन, द सेम पावर ऑफ द ब्रेन कैन वर्क अगेंस्ट इटसेल्फ इन वेज दैट लीव यू। मेनी मेनी पीपल्स ब्रेन इज वर्किंग अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ काम कर रहा उनका दिमाग। जो ब्रेन ने तुम्हें धीरू भाई बना सकता है, जो ब्रेन तुम्हें सुनील मित्तल बना सकता है, जो ब्रेन तुम्हें एक ग्रेट फुटबॉलर या ग्रेट पेंटर या ग्रेट लीडर बना सकता है, वही ब्रेन तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है और तुम्हें कदम लेने नहीं दे रहा है, तुम्हें एक्टिविटी करने नहीं दे रहा है, तुम्हें रोक रहा है, तुम्हें बार बार शंका की भूमि में डाल के फूंक रहा है, तुम्हें बार बार तुम्हारा ब्रेन तुम्हें अविश्वास के रास्ते पे लेके जाता है कि तू नहीं कर सकता और ये बराबर टाइम नहीं है करने का और तेरे पास क्या क्वालिफिकेशन है कि तू कर सकता है और तू कौन है साला तू अंबानी बन सकता है, तेरा बाप बना था कि अंबानी, उसका बाप बना था कि अंबानी, तू फिर तू है कौन। एहसास साली तेरी ब्रेन तेरे खिलाफ ही काम करती है। और कई बार तुम्हें अंदर ऐसा लगता है कि धीरू भाई में ऐसा कोई खास बात नहीं था जो मेरे में नहीं है,
और ये रियलाइजेशन हर आदमी में रोज आता है कि मैं भी कुछ बन सकता हूं, मैं भी कुछ कर सकता था। और ये जब वो देखता है कि उसके अंदर वो क्वालिटी है और जो होना चाहिए वो हुआ नहीं, इसकी वजह से ज्यादातर लोग मैंने देखा है आर अपसेट विद देमसेल्फ्स कि मैं वजन कम कर सकता था, मेरा दिमाग मेरे को ऐसा आइडिया दे के मेरा 90 किलो 70 हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, इस बात से मैं बड़ा क्या हूं, मैं इस बात से बड़ा अपसेट हूं कि मैं बन ना सका वो जो मैं बन सकता था, जो मेरे को मालूम है कि जो मैं बन सकता हूं। इस बात से मैं बड़ा गुस्से में हूं, आई एम वेरी एंग्री। इस बात से मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हूं, इस बात से मैं बड़ा डिजेक्टेड हूं, इस बात से मैं बहुत ही इनॉम एंग्शियस हूं कि साली 47 हो गया अभी भी होगा कि नहीं, एंग्शियस। अभी तो दो बच्चे हो गए, दोनों बड़े भी हो गए, अब मैं अगर चालू करूंगी ये छोटा सा बिजनेस, एक हाउसवाइफ सोचती है कि मैं सक्सेसफुल होएगी कि नहीं, ये होएगी कि नहीं, मैं 47 का 57 हूं, कितना साल निकल गया, 10 साल निकल गया। इस बात से वो लेडी बहुत हॉस्टाइल और उसके बिहेवियर में एक चिड़चिड़ापन भी आ गया, इस बात से लोग काफी स्ट्रेस्ड भी हो जाते हैं, स्टूडेंट स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, पेरेंट्स स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, बिजनेसमैन स्ट्रेस्ड हो जाते हैं जब उसके पास वो आदमी नहीं है जिसकी वजह से वो काम निकाल सके, उस बात से वो एंग्री हो जाता है कि मेरे पास आदमी नहीं है, मेरे पास सिस्टम नहीं है, इस बात से वो लगातार गुस्से में रहता है, लेकिन वो कभी समझ नहीं पाता कि उसने ही वो सिस्टम डाला नहीं है। बोल के तो वो अपसेट है, बोल के तो एंग्री है, बोल के तो फ्रस्ट्रेटेड है। अब वो लेडी ने कदम नहीं लिया 47 में, तभी तो 57 तक पहुंच गई और ठेंगा साला कुछ नहीं हुआ। और देखो माय डियर फ्रेंड्स, आज की दुनिया में जिस तरह का अपॉर्चुनिटी है आज से 20 साल पहले था ही नहीं, यस और नो? आज जो फैसिलिटीज है, आज जो फोन है, जो कार है, जो सर्वेंट है, जो इकोसिस्टम, जो आज जो कुछ बड़ा करने का, आज के मफत कभी कोई दुनिया में इतना अपॉर्चुनिटी और फैसिलिटी था ही नहीं, था ही नहीं। पहले सब चीज का कोटा बीटा सब होता था, गाड़ी का कोटा होता था, स्टील प्रोड्यूस करने का कोटा होता था, आप ज्यादा स्टील बना नहीं सकते, स्टील बना सीमेंट बनाने का कोटा होता था, गवर्नमेंट कोटा से बाहर निकलने नहीं देती थी। और आज एक MTNL उस जमाने में होता था, झक मार के अपने को एक ही खरीदना पड़ता था, एक बाटा होता था झक मार के वही खरीदना पड़ता था, एक एम्बेसडर होता था उसको ही खरीदना पड़ता था, इस तरह का एक दूरदर्शन था उसी को देखना पड़ता था। लेकिन जमाना बदल गया, इतने अपॉर्चुनिटीज, दैट मींस विद सीमिंगली एवरीथिंग इन द वर्ल्ड टू बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट, हर चीज के बारे में हम पॉजिटिव हो सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं। मेनी इंडिविजुअल्स आर टुडे फ्रस्ट्रेटेड, आज बहुत सारे लोग, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, टीनएजर्स फ्रस्ट्रेटेड है एंड ज्यादातर वो नॉन प्रोडक्टिव रहते हैं। वो 10 साल घर में बैठी हुई हाउसवाइफ नॉन प्रोडक्टिव है, फिर अपने आप को फुतकाते रहती है कि मैंने इन दोनों को पाला। अभी वो दोनों साले लोग अमेरिका में है और वापस नहीं आने का पूरा कार्यक्रम। अब इसको 57 में इस बात का भी दुख होता है कि वो लोग साले उधर सेटल हो गए, लेकिन 47 और 27 में, 57 में अगर उसने कुछ कर दिया होता, वो अपॉर्चुनिटी जो था वो गया, इस बात से वो नाराज जरूर है। फिर वो कोई कोई आत्महत्या भी करते हैं, कोई कोई डिप्रेशन में चला जाता है, किसी किसी को साइकेट्री ट्रीटमेंट की लगती है, और कोई कोई इस बात से फिर रिजाइन कर देता है कि मेरा कुछ होने वाला नहीं है। जबकि मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2:30 बजे से वो सब होगा आज जो आप चाहते हैं। अगर मैंने जो बोला आज आने वाले 4 घंटे में, अगर उस बात को आपने गहराई से लिया और दिल से अगर आपने प्रैक्टिस किया तो आप वो कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा विश्वास है। और आज के बाद हमारे सामने से कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना होवे। अगर मैं 47 की हूं और 57 तक मेरे को एक जबरदस्त बिजनेस खड़ा करने का है तो वो होके रहेगा। आर यू विथ मी? वो होके रहेगा आज के बाद,
वो होके रहेगा। यानी आज के बाद अगर मेरे को, अगर मैंने आज दोपहर को सोच लिया कि मेरा 90 किलो 70 होना चाहिए, तो आज के बाद होके रहेगा, वो आज के बाद होके रहेगा। अगर वो सिस्टम जो तुझे बुलंदियों पे पहुंचा सकता है तेरे कंपनी को, वो सिस्टम अगर डालना जरूरी है, तो आज के बाद वो सिस्टम हम डालेंगे, क्योंकि आज से हमारी सोच बदलने वाली है। और ये Why are we like this? मुद्दा ये उठता है, हम ऐसे क्यों हैं? मेरे हिसाब से, मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, हम लोग ऐसे हैं, हमारे हाथ के सामने से लगातार अपॉर्चुनिटी, लास्ट लाइन पढ़िए, एंड therefore we miss the opportunities by the hour. Every hour we are missing opportunity. हर दिन, हर घंटा हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज मिस होता जा रहा है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? एक स्टूडेंट के सामने ये हो रहा है, एक हाउसवाइफ के सामने ये हो रहा है, एक बिजनेसमैन के लिए हो रहा है। वो 500 करोड़ का धंधा चला रहा है, तो 5000 करोड़ का हो सकता है। वो अगर 5 करोड़ का चला रहा है, तो 50 करोड़ का हो सकता है। वो अगर खाली सिल्वर है, तो डायमंड बन सकता है। वो अगर MDRT है, तो TOT बन सकता है। वो अगर एक जगह पे उसका ऑफिस है, तो 25 जगह पे उसका ऑफिस हो सकता है। अगर उसका एक ब्रांच है, तो उसका 40 ब्रांच हो सकता है। इस तरह से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज उसके सामने हैं। मेरे ख्याल से Why are we like this? ये मुद्दा अगर हमने गहराई से देखने का कोशिश करें, तो मुझे लगता है हम सब लोग छोटे और बड़े पैमाने में दो बीमारियों के शिकार हैं। हम सब लोग यहां बैठे हुए, वी आर ऑल विक्टिम्स ऑफ टू इलनेसेस, टू डिजीज, टू हैबिट्स। दो हैबिट्स है, दो डिजीज है, जो बचपन से किसी किसी को लगा है, किसी किसी को जवानी में लगा है, किसी को मार मार के उसके बाप ने उसको वैसा बना दिया, किसी किसी को मार मार के कम्युनिटी ने उसको बना दिया, किसी को मार मार के उसके कलीग्स ने उसको बना दिया, किसी को मार मार के जिंदगी ने उसे ऐसा बना दिया। हम सबके पास दो बीमारियां है, टू इलनेसेस, टू डिजीज, जिसकी वजह से हमारा हाथ से लगातार हर घंटे अपॉर्चुनिटी मिस हो रहा है। एंड द फर्स्ट बीमारी का नाम है 100% एक्यूरेसी सिंड्रोम। 100% एक्यूरेसी सिंड्रोम, एक्यूरेसी यानी परफेक्ट, सिंड्रोम, सिंड्रोम यानी एक बीमारी, एक सिम्टम, एक डिजीज। तो हम में से सब लोगों को है ना, कुछ भी काम करने के पहले 100% एक्यूरेसी का एक ख्याल होता है। 100% एक्यूरेसी इस पहला बीमारी जिसमें हम डिसीशन नहीं लेते, हम डिसीशन नहीं लेते। इस बीमारी का नाम है 100% एक्यूरेसी सिंड्रोम। और इस बीमारी के तहत हम क्या नहीं करते हैं, जोर से हम डिसीशन नहीं लेते, एंड फिर हम बोलते हैं जो भी करूंगा परफेक्ट करूंगा। यह बीमारी ने जितने को लूटा है और खलास किया है, इस बीमारी से बड़ा कोई बीमारी नहीं है। जो भी करूंगा परफेक्ट करूंगा, यह बीमारी है 100% एक्यूरेसी। एक बार यह बीमारी लग जावे, तो आदमी नपुंसक और हिजड़ा हो जाता है और डिसीशन नहीं ले पाता। ऑफिस लेने के पहले उसके मन में यह ख्याल आता है, जो भी करूंगा परफेक्ट करूंगा। आदमी लेने के पहले उसको, साले को यह ख्याल आता है। एक कदम लेने के पहले उसको यह ख्याल आता है, एक्सरसाइज चालू करने के पहले उसको यह ख्याल आता है कि करूंगा तो सीधा 70 के लिए करूंगा, 90 से 89 के लिए नहीं करूंगा। क्या कहा मैंने? करूंगा तो सीधा 90 से 70 के लिए करूंगा, क्योंकि 70 मेरे दिमाग में परफेक्ट वेट है। करूंगा तो 70 का, 90 का, 70 के लिए करूंगा, लेकिन 89 के लिए नहीं करूंगा। और मैं जिंदगी भर 89 पे ही बिलीव किया है। मैं कोई चीज परफेक्ट करता ही नहीं, मेरे को इच्छा ही नहीं। सेकंड बीमारी,
सिंड्रोम, क्रॉनिक टुमोरो, क्रॉनिक यानी एकदम क्रॉनिक बीमारी बोलते ना, एकदम भयंकर बीमारी, क्रॉनिक टुमोरो, टुमोरो सिंड्रोम, जो भी करूंगा कल करूंगा, जो भी करूंगा कल से करूंगा। और ये दोनों कभी सोसाइटी में चर्चा नहीं किया जाता, क्योंकि हर कुत्ते में होलसेल में है। आर यू विद मी? इस पर चर्चा नहीं। तेरा बाप भी वैसी है, तू भी वैसी है, आगे देख तेरा अंकल वो भी वैसी है, बाजू में देख तेरा कहीं वो भी ऐसे। तो देयर आर टू इलनेस। और ये क्या है, क्रॉनिक टुमोरो में आदमी एक्शन नहीं लेता, और एक्यूरेसी में आदमी डिसीशन नहीं लेता। तो पहले में क्या नहीं करता और दूसरे में, वाह, मतलब अगर वो सिस्टम डालना है तो पहला डिसीशन लेना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा ना। आर यू विद मी? पहला डिसीशन लेना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा, और दोनों तेरे पास है ही नहीं, और फिर तेरे को धीरू भाई बनने का है। क्यों? तेरे को सुनील मित्तल बनने का है, तेरे को निरंजन हीरानंदानी बनने का है। नॉन वायलेंस चलेगी कि नहीं, कि 12 साल रिसर्च कर रहा है गांधी, नॉन वायलेंस चलेगी कि नहीं, गांधी 12 साल रिसर्च कर रहा है, और फिर लॉन्च करूंगा नॉन वायलेंट मूवमेंट। तुमको क्या लगता है हम लोग फ्री होते हैं? क्योंकि अपने ही सेल्फ डाउट में वो मरवाता है। आर यू विथ मी? तो अगर दिमाग में नॉन वायलेंट मूवमेंट आया तो लॉन्च कर दे। आर यू विथ मी? लॉन्च कर दे। सो व्हाट इज द फर्स्ट इलनेस? लाउडली, लाउडली, लाउडली। और हिंदी वर्जन, सेकेंड बीमारी, हिंदी वर्जन, यानी हर चीज के लिए लागू होता है। लड़की पटाने से लेके, लड़की को छोड़ने से लेके, शादी करने से लेके, डिवोर्स करने से लेके, बच्चा पैदा करने से लेके, सिस्टम बनाने से लेके, वजन कम करने से लेके, वजन बढ़ाने से लेके, नया टेरिटरी चालू करने से लेके, नया ब्रांच चालू करने से लेके, टॉप लेवल का बिजनेसमैन बनने का लेवल से लेके, ये दोनों बीमारियां हम सबको होलसेल, कोई कोई 5% इसमें है, कोई 15% में है, कोई होलसेल में इसके अंदर घुमा है। therefore सिंड्रोम का मतलब क्या है? किसी ने मुझसे कल पूछा सिंड्रोम का मतलब क्या है। सिंड्रोम यानी कि एक मेंटल कंडीशन होता है, सिंड्रोम यानी एक डिजीज है, सिंड्रोम यानी पैटर्न। तो मेरा काम करने का एक पैटर्न बन गया, मेरा काम करने का पैटर्न बनने का, सोचने का एक पैटर्न बन गया। यू नो सिंड्रोम यानी सेट ऑफ सिम्टम्स, सिंड्रोम यानी डिसऑर्डर, एंड देयरफॉर 100% एक्यूरेसी। नाउ इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। 100% एक्यूरेसी, जो भी करूंगा परफेक्ट करूंगा। व्हाट इज 100% एक्यूरेसी सिंड्रोम? क्या है ये बीमारी? होता क्या है इसमें? आदमी का स्टेट ऑफ माइंड किस तरह का होता है, उसका थिंकिंग किस तरह का होता है, ये बहुत जरूरी है समझना। तो ये है उसका डेफिनेशन, 100% एक्यूरेसी सिंड्रोम का डेफिनेशन ये है। थोड़ा वक्त मैं यहां पर लेने वाला हूं और इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, ये उसका डेफिनेशन है। और सीडी ले लेके इसको बार बार देखना, हर दिन देखना, आने वाले 20-30 दिन, और इस डेफिनेशन को बार बार देखते रहना, इसको बाय हार्ट कर देना। और डेफिनेशन इस तरह से जाता है, 100% एक्यूरेसी सिंड्रोम का डेफिनेशन इस तरह से जाता है, एन ऑब्सेशन विथ ए 100% मॉडल। एन ऑब्सेशन, ऑब्सेशन यानी एक मेनिया, एक ऑब्सेस बोलता ना, ये मैं ऑब्सेस्ड हो गया, यही लड़की से शादी करूंगा नहीं तो आत्महत्या करूंगा, तो ये ऑब्सेस्ड हो गया, ऑब्सेस्ड, पोजेस्ड, ऑब्सेशन, एन ऑब्सेशन विद 100% परफेक्ट मॉडल। एक पागल जुनून, 100% परफेक्ट मॉडल जो मेरे दिमाग में है, इन द माइंड, इन द माइंड,
ये 100% मॉडल कहां पर है? कहां पर है? इट इज इन द माइंड. किसका माइंड में? मेरे माइंड में. मेरे माइंड में मैंने एक मॉडल बनाया कि जिस आदमी को लूंगा वो ऐसा होना चाहिए, और जो आता है वो मॉडल से कभी मैच नहीं होता. मैं ये काम एक मॉडल बनाया कि मैं ऐसा टाइम पे ये काम शुरू करूंगा. एक परफेक्ट मॉडल. ये मेरी मन की मॉडल है. ये मेरी मन की मॉडल है, लेकिन वो मॉडल सिर्फ मेरे मन में है. ये 100% मॉडल. और जो एक्चुअली जिंदगी में होता है वो मॉडल के विपरीत होता है. जो आदमी आ रहा है, जो चीजें हो रही है, वो तुम्हारे मॉडल के खिलाफ होता है. और तुम है कि वो मॉडल जब तक सही मिलता नहीं है तब तक तुम डिसाइड करने को तैयार नहीं. यानी एन ऑब्सेशन विद द 100% परफेक्ट मॉडल इन द माइंड डिसअलाउइंग यानी ये देयरफॉर तुम्हारा बदन और मन तुम्हें अलाउ नहीं कर रहा है. Disallowing you to decide or settle for anything less than the perfect 100%. Thereby keeping you in a constant state of handicap and confusion, leading to helplessness and unhappiness, and ultimately causing permanent loss of opportunity. मैंने सोचा मैं एक इंश्योरेंस एडवाइजर हूं, मेरे को एक बड़ा आदमी के पास जाना है. मैं छोटे छोटे लोगों के पास जाता हूं जहां से मैं 5 लाख का प्रीमियम उठाता हूं, लेकिन मेरे को एक करोड़पति के पास जाने का जिधर से मेरे को 2 करोड़ रुपया का प्रीमियम उठाने का है. लेकिन मेरे मन में एक मॉडल बना दिया है कि जब मैं जाऊंगा मैं परफेक्ट होना चाहिए. मैं तब जाऊंगा जब मेरे को वो गाली नहीं देगा. मैं तब जाऊंगा जब मैंने वो सब कैपेबिलिटी मेरे में बिल्ड कर दिया. मैं तब जाऊंगा जब मुझे सब लोग बोलेंगे तू कर सकता है. तो एक मन में मैंने मॉडल बना दिया कि मैं कब जाऊंगा. मैं कब जाऊंगा वो मॉडल मैंने बना दिया. मैं तब जाऊंगा जब मेरे को विश्वास हो जावे कि वो बड़ा आदमी मेरे को गाली नहीं देवे. मैं तब जाऊंगा उस आदमी के पास जब वो बड़ा आदमी मेरे को फटका नहीं लगावे. मैं तब जाऊंगा जब मेरी बोली बड़े लोगों के मापत हो जाएगी. मैं तब जाऊंगा जब मेरे पास उस तरह के कपड़े होंगे, उस तरह का गाड़ी होगा, उस तरह का घोड़ा होगा, उस तरह का स्टाफ होगा, उस तरह का ऑफिस होगा, उस तरह का विश्वास होगा. तब मैं जाऊंगा वो बड़े आदमी के पास. तब तक मैं नहीं जाऊंगा. और वो जो मॉडल है, वो मॉडल है किधर? क्या उस आदमी ने जिसको तुम मिलने जा रहा हो करोड़पति, क्या उसने बोला तू तैयारी करके आना, यस और नो? उसने तो बोला है, उसको तो पता भी नहीं है और उसने कभी बोला भी नहीं कि मेरे पास आने वाले लोग मर्सिडीज में आने चाहिए, अच्छा बोलने वाले होने चाहिए, अंग्रेजी स्पीकिंग वाले होने चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज में जबरदस्त होना चाहिए, हाइट इतना होना चाहिए, वेट इतना होना चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए, उसका खानदान ऐसा होना चाहिए. ऐसा उसने तो तेरे को बोला नहीं. साली मॉडल बनी किधर? किसने बनाया? और वो मॉडल कभी हकीकत में आएगी नहीं, क्योंकि वो परफेक्ट मॉडल है और आदमी परफेक्ट हो ही नहीं सकता. मैं पूछता हूं तू है कौन सा ले मॉडल बनाने वाला? तेरे को बुद्धि भी है क्या? मॉडल क्या होती है? क्यों मरवा रहा तू? कि मैं करूंगा तो ये वक्त में करूंगा जब. So you have created a model and that is known as a 100% accuracy model. क्या knowledge है अपने पास ऐसा model बनाने का? क्या कौशल है अपने पास ऐसा model बनाने का? क्या सोच है अपना? धीरू भाई बन गया फिर तू model बना रहा है क्या? अरे तू कुछ भी नहीं है और model बना दिया. ये model ने जितनी मारी है तेरी उतना किसी ने नहीं मारी. So an obsession
एक प्यासा ऑब्सेशन, एक जुनून विद द 100% परफेक्ट मॉडल इन द माइंड, इन द माइंड. रीड इट वेरी केयरफुली. एन ऑब्सेशन बोलिए, विद अ 100% परफेक्ट मॉडल इन द माइंड, डिस अलाउिंग यू टू डिसाइड और सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन परफेक्ट 100. मतलब ये तेरे को अलाउ ही नहीं करेगी डिसीशन लेने के लिए. और ये बीमारी किसकी बीमारी है? माइंड की. और कौन सी बीमारी है ये? डिसीशन ना लेने की. तो इसमें क्या होता है कि यू विल नॉट टेक डिसीशन. आप डिसीशन नहीं लेंगे, वो नया टेक्नोलॉजी का डिसीशन नहीं लेंगे, ISO का डिसीशन नहीं लेंगे, सिस्टम डालने का डिसीशन नहीं लेंगे, आदमी लेने का डिसीशन नहीं लेंगे, क्योंकि तूने एक बता दिया एक मन में, मैं आदमी तब लूंगा जब मेरी औरत जवान होगी, उसकी शादी हो जाएगी, मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनका एडमिशन हो जाएगा, बारिश के बीच में थोड़ा सा ठंडी आना चाहिए, और उसके बाद जब मेरा मूड अच्छा होगा, जब बाजू वाली के साथ मेरा अच्छा रिश्ता हो जाएगा, फिर ये हो जावे, तब मैं जाके ये आदमी को रिक्रूट करूंगा. वो मॉडल होने वाला नहीं. और तू देयरफॉर आदमी को रिक्रूट, एंड देयरफॉर उस आदमी के वजह से जितने अपॉर्चुनिटीज को तू कैप्चर कर सकता था, उस आदमी को लेने की वजह से जो अपॉर्चुनिटी को तू कैप्चर कर सकता था, वो बड़ा आदमी को मिलने की वजह से जो तू अपॉर्चुनिटी और पैसा नाम इज्जत शौहरत धन दौलत कमा सकता था, वो अपॉर्चुनिटी तो परमानेंटली तेरे हाथ से गई. कि मैं बिजनेस चालू करूंगी, अगर मेरे हस्बैंड ने मेरे को 47 में पुश किया, और मेरा फादर इन लॉ भी बोला कि बेटी तू जा, और मेरे बच्चे लोग भी बोले कि तू जा, और बिल्डिंग वाले कमिटी मीटिंग बुला के बोले कि तू जा. अबे एक तो कमिटी मीटिंग में कुत्ता ऐसा निकलेगा जो बोलेगा औरत लोगों को काम नहीं करना चाहिए. लग गई तेरी मॉडल किधर बना है? Thereby keeping you in a constant state of handicap. Handicap आदमी कैसा होता है? मैं बिचारी, मैं क्या कर सकूं? मैं बिचारा, मैं क्या करूं? मेरे पास लीडर ही नहीं है. अबे साले, लीडर तो होलसेल में चड्डी डाल के मार्केट में घूम रहे, तेरे को नजर क्यों नहीं आ रहे? तेरे को नजर क्यों नहीं आती? क्योंकि नजर के पहले तेरा क्या बैठा हुआ है? मॉडल बैठा हुआ है. तो तेरे को तो दिखेगी ही नहीं. नंगे भी घूमेंगे ना तो भी तेरे को नहीं दिखेंगे लीडर. एंड सो यू फील हैंडीकैप. अच्छा, ऐसा तूने एक नहीं हजारों मॉडल बनाए. एक होवे तो सलाम मार के मैं ही फिट कर दूं, लेकिन तूने हर चीज का एक मॉडल बना के रखा है. बीवी कैसा होना चाहिए, बच्चे कैसा होना चाहिए, बाप कैसा होना चाहिए, टीचर कैसा होना चाहिए, जो आदमी आएगा एम्प्लॉयमेंट के लिए वो पगार नहीं मांगना चाहिए. मॉडल बना दिया, और ज्यादा नहीं मांगना चाहिए. मॉडल बना दिया. अब उस तूने मॉडल बना दिया कि मेरा परफेक्ट है 30,000 रुपया, वो 33 मांग रहा. वो तू उसको साला नेगोशिएशन कर करके इतना इरिटेट करता कि वो जाते टाइम कान पट्टी भी देके जाता तेरे को. अरे छप छाले, 3,000 के लिए ऐसा राहू रो रहा है. वो 30,000 का मॉडल तूने बनाया. आदमी बढ़िया सामने 33 में बैठा हो, तू नहीं लेगा. तो तेरा मॉडल के साथ मैच नहीं हो रहा. एंड देन ऐसे कहीं जाने के बाद फिर क्या बोलता है? साला उसको तो ले लेना चाहिए था, उसको भी कर, साला वो 47 में कर डालना चाहिए था, 57 तक बैठना नहीं चाहिए था, साला कम से कम 89 तो वजन कर ही डालना चाहिए था, 70 के पीछे क्यों पड़ी मैं? आर यू विथ मी? इस बात से तुम बहुत अपसेट भी है, इस बात से तुम गुस्से में भी है, इस बात से तुम फ्रस्ट्रेटेड भी है, इस बात से तुम एंग्री भी है. ऐसा नहीं कि ये सब नहीं करने से तुम्हें बड़ा आनंद आ रहा है. यू आर अपसेट, यू आर एंग्री, यू आर फ्रस्ट्रेटेड विद ऑल दिस ब्लडी मॉडल्स दैट हैव स्क्रूड योर हैप्पीनेस, एंड इट क्रिएट्स कंफ्यूजन. एट 57 इट क्रिएट्स कंफ्यूजन कि विल द नेक्स्ट 30 इयर्स ऑल्सो बी लाइक दिस.
you are more confused. Will I ever be in a position to expand my company? So that confusion is there, leading to helplessness. Helplessness को हिंदी में क्या बोलेंगे? एक लाचार आदमी के मफद हम बैठे, मैं क्या करूं नायर साहब? तू नहीं करेगा तो मेरा बाप करेगा क्या? नहीं सर, आदमी नहीं, आदमी मिलने के लिए तू क्या करेगा? उसके लिए कुछ करना पड़ेगा. सर मैं क्या करूं, मैं तो बड़े आदमी के पास जा ही नहीं रहा हूं. उसने बोला मत आ, बड़े आदमी ने बोला मत आ. मत जा तो तूने बोला है, अपने आप को मॉडल बना के. लीडिंग टू हेल्पलेसनेस एंड अनहैप्पीनेस. यू आर अनहैप्पी अबाउट इट. कोई खुश नहीं है इस बात से, कोई बहुत मोटिवेटेड नहीं है इस बात से. सो इसके वजह से लगातार अल्टीमेटली इट इज कॉजिंग परमानेंट लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी. परमानेंटली आदमी अपॉर्चुनिटी गवा रहा है. अच्छा फिर क्या होता है, इसके साथ वाले अगर एम्बिशियस है ना, अगर इसके साथ वाले जो लोग एम्बिशियस है वो निकल जाएंगे, क्योंकि तू तो कदम लेने वाला नहीं है जिससे कि कंपनी ग्रो होगा या तू ग्रो होगा या तेरा ऑफिस ग्रो होगा. तो मैं देख रहा हूं, मैं तो तेरा सबॉर्डिनेट है. मैं तो पिछले एक डेढ़ साल से मैं तेरे को कितना आइडिया दिया कि चलो सर अपन ये करते हैं, चलो कुलकर्णी साहब अपन ये करते हैं. कुलकर्णी रोज बोलता देखो मौसम अच्छा होने दो, थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को नवी मुंबई के साथ जुड़ने दो. कभी होगा नहीं, तो वो रुका है नवी मुंबई और थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन साथ में हो जावे, फिर कुलकर्णी अपना धंधे को एक्सपेंड करेगा. वो दिन तो तेरे मरने के पहले हो गया, तो तेरा नसीब, तब तक रुक. तो हमने ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स बनाए हैं अपने दिमाग में. 100% परफेक्ट मॉडल ओनली इन अवर माइंड. हर चीज, अब मैं हर एग्जांपल नहीं ले सकता हूं. मैं अगर यहां पर 5 दिन खड़े रहो तो बिना रिपीटेशन का मैं 500 अलग अलग एग्जांपल लू हर क्षेत्र में. तो आप अपने आप को देखो उन एग्जांपलों में, अपने आप को डाल के देखो. वो एक्सरसाइज को लेके हो सकता है, बच्चे लोग का पढ़ाई को भी लेके हो सकता है. कितने लोग स्ट्रेस्ड है क्योंकि मॉडल बना दिया लड़का को 97 मिलना चाहिए. पूरा बिल्डिंग लड़के के पीछे पड़ा है, और ये माँ जाके बोलती है तुम्हारा क्लोज है ना मेरा लड़का, बीच बीच में जब भी तुमको दिखेगा ना कॉलोनी में उसको बोलना 97 के नीचे नहीं लेके आना, 97 के नीचे नहीं लेके आना, 97 के नीचे. एक साली मॉडल बना दिया इसने, और उसकी औकात साला 47 के ऊपर नहीं है. अपना जो मॉडल अपन ने जो पैदा किया उसकी औकात जो है 47 के ऊपर नहीं है. तूने इधर मॉडल बना दिया, उसकी लग गई. वो सिंपल आजकल कार्यक्रम करता आत्महत्या. So we have models for children, behavior, staff, exercise, getting up, हर चीज. केतन भाई 4 दिन पहले मेरे साथ मैराथन भागने वाले थे, सुबह सुबह साला मैसेज भेज दिया लंबर पेन है. मॉडल बना दिया लंबर पेन है तो जाने का नहीं. अरे कम से कम जू बीच में हाँ हमारा चप्पल तो संभाल. लंबर पेन में चप्पल तो संभाल सकते ना, और चप्पल संभालने के चक्कर में हम 32 लोगों को भागते हुए देख के लंबर पेन चला जाता तो वो दिन तुम भी भागते. लेकिन मॉडल मॉडल ये बनाया कि लंबर पेन है तो जाऊंगा नहीं. एन ऑब्सेशन विद द परफेक्ट मॉडल इन माइंड. डिसीशन लूंगा तो क्या होना चाहिए, शादी करूंगा तो क्या होने चाहिए, लड़की परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट जॉब चाहिए मेरे को, परफेक्ट एम्प्लॉय चाहिए, परफेक्ट इन ऑफिस लूंगा, लूंगा तो ऑफिस परफेक्ट लूंगा तो 300 ऑफिस ढूंढेगा और फिर धारावी में एक लेगा. इतना लास्ट में फ्रस्ट्रेट हो गया, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, 300 ऑफिस देखा इधर उधर उधर, तेल लेने गया चला भी है. और पहला वाला ऑफिस वो सच ए ब्यूटीफुल ऑफिस, उसमें सब कुछ था
लेकिन फिर मॉडल के साथ मैच नहीं हो रहा था, क्योंकि वो ऑफिस में तुमने बोला था ऑफिस ऐसा होएगा तो खिड़की खोलेगा तो उधर मंदा की नहीं रहना चाहिए, ये खिड़की खोला तो ऐश्वर्या इधर से आना चाहिए, वो दरवाजा खोला तो उधर अमिताभ बैठा रहना चाहिए, ऐसा आसमान खोला तो उधर ग्रीनरी होना चाहिए, इधर ऐसा होना चाहिए, उधर झोपड़पट्टी नहीं होना चाहिए। और जिधर भी जाएगा तेरे को मॉडल के अंदर एक झोपड़पट्टी आता ही है, वो फ्री में। तो ऑफिस लूंगा तो परफेक्ट लूंगा, डिजाइन बनाऊंगा तो परफेक्ट, तो डिजाइन को परफेक्ट करते 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 बैठा हुआ 300 बार डिजाइन बना रहा है, तब तक दूसरे ने मैन्युफैक्चर करके माल उतार के ब्रांडिंग करके उसका 13% मार्केट शेयर ले लिया, तू अभी भी डिजाइन लेके बैठा हुआ है कि मैं बनाऊंगा मोटर का डिजाइन तो परफेक्ट जब तक बनेगी नहीं तब तक मैं वो मोटर को उतारूंगा नहीं। अच्छा, किसी कस्टमर ने नहीं बोला एकदम परफेक्ट बना के उतारना करके, ये तो तेरी मन की बात है, ये तो तेरी मन की बात है। वो इंसेंटिव स्कीम हो सकता है, वो डिजाइन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, सबका हमने मॉडल बना दिया। जो भी करूंगा प्रपोजल बनाऊंगा तो परफेक्ट बना, उसी प्रपोजल को 300 बार देख रहा है। बुक पढ़ूंगा या बुक लिखूंगा तो परफेक्ट टाइम पे लिखूंगा, या बुक पढ़ूंगा तो परफेक्ट टाइम पे पढ़ूंगा, तो डिसीजन नहीं ले पाता। बुक पढ़ने का डिसीजन, बुक पढ़ने का डिसीजन है क्या? बुक पढ़ने का डिसीजन नहीं ले पाता। और हमको साला धीरू भाई बनने का है, हमको सुनील मित्तल बनने का है, एक बुक पढ़ने का डिसीजन नहीं ले सकते। क्योंकि बुक पढ़ूंगा एक मॉडल बना लिया, तो आई विल डू एवरीथिंग परफेक्ट इन्वेस्टमेंट, हाथ में पैसा है परफेक्ट इन्वेस्टमेंट करने का। तो 36 जगह पे जाके पूछते रहते, बाद में ऐसा किधर जाता है कि 6 महीने में चलो डूबी जाता हूं। अरे पिकनिक का लोकेशन के लिए आदमी लोग इतना मारा मारी करते। मैं बोला अपन 15 जन पिकनिक जा रहे हैं, ये भयंकर डिस्कशन। मैं बोला यार अपने को जगह से क्या लेना देना है, अपन 15 जन साथ में, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो वो पिकनिक उसको लेते लेते 12 जन ने 13 साइट बताया, लास्ट में सबने बोला ये महीना नहीं जाएंगे। क्योंकि सबका मॉडल है, उसका पिकनिक का मॉडल है कि समुंदर होना चाहिए, इसका मॉडल है कि रेती होना चाहिए, उसका मॉडल है कि ग्रीनरी होना चाहिए, इसका मॉडल है कि आसमान जीते और ऊपर पानी रहना चाहिए। तो किसका किसका मॉडल में तू सेट करेगा, कभी पिकनिक होता ही नहीं। साधारण एक पिकनिक भी हम नहीं जा पाते हैं और बोलते हैं कि जिंदगी में बड़ा आदमी बनने का। यू नो, हर चीज का अपना एक परफेक्ट टाइम होता है, everything has to happen at this thing. और इसका major एक thought ऐसा होता है, I must do everything perfectly well and must get the appreciation of all the people. मैं not only सब perfect करना चाहिए, दुनिया आके बोलना चाहिए क्या घर है, क्या बच्चा पैदा किया है। मेरे पास तो कोई आके पूछता है आपका बच्चा मिला, हाँ ये कितना मिला, मतलब फेल हो गया, और फिर मैं उसको देखता हूँ, मतलब कोई प्रॉब्लम है, बोले नहीं ऐसा नहीं। लेकिन जब मां बाप को डर लगता है ये बोलने के लिए कि बच्चा फेल हो गया, तो मां बाप में वो हिम्मत नहीं होने की वजह से जो एग्जिस्टिंग अपना मॉडल है उसकी मारते रहते, क्योंकि मां बाप का मॉडल से बच्चा मैच होना चाहिए। और बच्चा जब देखता है कि मैच नहीं कर पाता तो वो या तो डिप्रेस हो जाता है या घर छोड़ के भाग जाता है या आत्महत्या करता है। और तुम्हारे बच्चे के साथ भी यही होएगा अगर फालतू में अपना मॉडल ठोकेगा तो। हाँ, अगर वो काबिल है तो करने दे, काबिल है तो तेरी जरूरत ही नहीं, ऐसे ही कर लेगा वो। ना काबिल है और तेरे बोलने की वजह से होने वाला भी नहीं है। मैं बोलता हूं तू क्यों मरवा रहा है,
मेरे को सब चीज मैं परफेक्ट करूंगा और मेरे को सब लोग क्या करना चाहिए, ताली बजाना चाहिए। मैं प्रोग्राम लूंगा तो लोग ताली बजाना चाहिए, मेरी हर अदा पे लोग ताली बजावे। मैं प्रोग्राम कब लूंगा, क्योंकि मन में तो ताली पहला आ गया, प्रोग्राम तो लेता ही नहीं और ताली के इंतजार में हूँ। और जब तक प्रोग्राम होगा नहीं, ताली बजेगी कि नहीं ये तो पता भी नहीं चलेगा। मन में बैठ के रोज सोच रहा हूँ ताली बजेगी, जो दिन मेरे को लगता है ताली बजेगी वो दिन मैं प्रोग्राम लूंगा। तब तक दूसरे प्रोग्राम करके चलेगा, अपॉर्चुनिटी मल्टीप्लायर में रोकड़ा कमा के। अब चलते हैं दूसरी बीमारी जिसका नाम है क्रॉनिक टुमॉरो सिंड्रोम। इसका हिंदी वर्जन क्या है, जो करूंगा कल से करूंगा कल। तो दिस इज ए बीमारी ऑफ नॉट टेकिंग एक्शन। और पहले वाली बीमारी क्या थी, नॉट टेकिंग डिसीशन। एक डिसीशन की बीमारी, एक एक्शन की बीमारी। और कुछ भी बड़े के लिए दोनों चाहिए, क्या डिसीशन और एक्शन। और विपरीत चाहिए, आज का डिसीशन और आज का एक्शन कल के डिसीशनों से और कल के एक्शन से विपरीत जब तक नहीं होगा, तब तक तू सुनील मित्तल नहीं बनेगा, तब तक तू एयरटेल नहीं बना पाएगा, तब तक तू एशियन पेंट्स नहीं बना पाएगा, तब तक तू मेहदी फकरजादे इंश्योरेंस का टॉप एजेंट बन ना पाएगा। तो 100% टुमारो सिंड्रोम, यानी जो भी करूंगा कल से करूंगा, ये जो एक विचार है हमारे मन में, व्हाट इज दिस क्रॉनिक टुमारो सिंड्रोम, इसका डेफिनेशन दूसरा है। क्रॉनिक टुमारो सिंड्रोम का डेफिनेशन ऐसा जाता है जो इधर भी लिखा हुआ है सामने, यू नो इट इज नथिंग बट ए मैडनेस, एक पागलपन, एक फैसिनेशन, एक फिक्सेशन, फिक्स हो गया मेरा दिमाग, एक मैनिया। टू डिले ऑल एक्शन, टू डिले ऑल एक्शन, डिले डिले यानी पोस्टपोन, डिले यानी पोस्टपोन ऑल एक्शन टू अ लेटर डेट एंड टाइम इन द एब्सेंस ऑफ एन इमीडिएट गारंटीड रिजल्ट। मैं एक्शन कब लूंगा, जब मेरे को कोई गारंटी देगा रिजल्ट का। क्या रिजल्ट होगा अगर मैंने ये किया, तो वो कोई गारंटी देवे तो मैं एक्शन लू। तो जब कोई गारंटी, अच्छा इस दुनिया में मेरी बीवी तक मेरे को गारंटी नहीं दे सकती है कि वो मेरे साथ रहेगी कि नहीं, मेरे बच्चे गारंटी नहीं दे सकते कि वो मेरे साथ रहेंगे कि नहीं, मेरा कस्टमर मेरे को गारंटी नहीं देने को तैयार है, दुनिया गारंटी देने को तैयार नहीं है, गवर्नमेंट गारंटी देने को तैयार नहीं है, भगवान का गारंटी भी अपने को मालूम नहीं है भी कि नहीं, कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट तो वो लोग भी देते नहीं आजकल। ऐसा एक नॉन गारंटीड जमाने में एक्शन के पहले तेरे को गारंटी चाहिए। एक्शन के पहले तेरे को गारंटी चाहिए, और इस गारंटी से तू फैसिनेटेड और एकदम मैनियक के मापत गारंटी नंगा होके मांग रहा है, गारंटी दे गारंटी दे गारंटी दे। म्यूचुअल फंड कंपनी भी नीचे लिखते हैं, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू यू बीइंग स्क्रूड, रेप्ड, रॉजर्ड, एनी टाइम, एवरी टाइम, ऑल द टाइम, बट स्टिल अगर मूड है तो डाल। वो लोग भी, और वो कभी कभी वो रेडियो में ना फट 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 जल्दी जल्दी बोल देते हैं, किसको समझ में नहीं आता, समझने का भी नहीं डाल देने का। ऑब्वियसली डालने के पहले आप चार क्वेश्चन पूछेंगे, आदमी रिलायबल है कि नहीं, कोई चार पांच आदमी ने आपको रेफर किया उसी से आप इंश्योरेंस लेंगे, यस और नो। ऐसे रोड पे से कोई आ गया तेरे गोद में बैठ गया, बोले इंश्योरेंस ले और तूने ले लिया, ऐसा तो होने वाला नहीं है। ए मैडनेस फैसिनेशन मेनिया टू डिले ऑल एक्शन। मैं कई बार बोलता हूं मेरे स्टाफ को, आओ स्टेज पे खड़े रहकर बात करो, नहीं सर गारंटी चाहिए कि पत्थर नहीं मारेंगे लोग, तू सलाह फालतू बात करेगा तो पत्थर टमाटर और सलाह बहुत कुछ मारेंगे, लेकिन तू इस डर के वजह से कि वो पत्थर नहीं मारेंगे तू बोलेगा ही नहीं। हो सकता है तू इतना भयंकर बोला कि सब लोग तेरे को गले मिल ले, आर यू विद मी, लेकिन तू एक्शन लेने कोई तैयार नहीं, क्योंकि तू बोलता मेरे को पहला क्या चाहिए,
गारंटी चाहिए तो ही मैं पब्लिक स्पीकिंग तो ही मैं स्टेज पे खड़ा रहूंगा नायर सर, मेरे को गारंटी चाहिए। ऑडियंस जब मैं बोलेगा गुड मॉर्निंग बोलो गुड मॉर्निंग, खड़े हो जाओ तो खड़े होने चाहिए, और मैं जो बोलू ताली बजाना चाहिए, और स्टार्टिंग में बजाना चाहिए, बीच में बजाना चाहिए, लास्ट में बजाना चाहिए, और मैं आते ही ताली बजाना चाहिए, और मेरे जाने के बाद वो लोग घर तक आना चाहिए मेरा। क्या क्या मॉडल बनाया साला तूने, गारंटी चाहिए नायर साहब। ए मैडनेस मैनिया टू डिले ऑल एक्शन टू ए लेटर डेट एंड टाइम इन द एब्सेंस। तो हर डिसीशन को हमने लेटर डेट पे रखा, हर एक्शन अनदर डे, अनदर डे। आई विल एक्सरसाइज अनदर डे व्हेन somebody gives me guarantee that definitely by that action I will come from 90 to action, ha, then I will take action. Agar mere ko koi guarantee de de, koi dega, kaun dega sir guarantee, ha, koi agar de sakta to wo kaun hai, wo tum khud hai, tum khud guarantee de sakta, lekin tum bol rahe dusre deve। तो इस दुनिया में जो कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है, तुझे गारंटी देना है कि मैं 90 का 70 करूंगा, लेकिन स्टार्टिंग तो मैं 89 से करूंगा, तो टेंशन ही नहीं। तू 70 का मॉडल क्यों पकड़ता है, तू 89 का मॉडल पकड़ना, चालू तो कर। सो लीडिंग टू कॉन्स्टेंट लॉस ऑफ टाइम। अच्छा, कॉन्स्टेंट लॉस ऑफ टाइम, जो टाइम अपना, अगर अपन आज जून में कुछ कर सकते थे और जुलाई में चले गए तो जून का टाइम तो चला गया। जून में 2 किलो कम हो सकता था, जून में 2-3 आदमी बड़े आदमी को मिल सकते थे, 2-3 प्रोग्राम में तू खड़े रहके साला फालतू तो बात कर सकता था, जून में बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन वो टाइम तो तेरे हाथ से गया। वो टाइम गया, वो जो लोग जो तुमको मौका दे रहे हैं, द पीपल जो तुम्हें सपोर्ट कर सकते थे, जो जून में तेरे को खड़े रह के सिखा सकता था, देख बेटा ऐसा गुड मॉर्निंग बोल, हाँ अभी थोड़ा आवाज थोड़ा बड़ा, नहीं नहीं अभी थोड़ा आवाज नीचे से ऊपर कर, ये कर वो कर, अभी ये कपड़ा डालिए, जो लोग जो तेरे को मदद कर सकते थे जून में, तेरा ये चक्कर चलने की वजह से वो लोग भी, वो रिसोर्सेस भी चले गए, वो अपॉर्चुनिटी भी चला गया, वो टाइम भी चला गया, वो मौका भी चला गया, मेकिंग यू फील लो, यू फील लो, फीलिंग लो, मिजरेबल, फ्रस्ट्रेटेड, लोअरिंग योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम, और बाद में ऐसा लगता है मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं टाइम पे पहुंच नहीं सकता हूं, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता हूं, मैं बड़ा कंपनी बना नहीं सकता हूं, मैं चैलेंज ले नहीं सकता हूं, मैं कोई मार्केट में नया डिजाइन नहीं ला सकता हूं, मैं मेरे बीवी को खुश नहीं कर सकता हूं, मैं मेरे बच्चे लोग कुछ नहीं कर, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, फिर अपने आप को छोटा, और अपन अपने आप को मेनी टाइम्स वी स्टार्ट सेल्फ डेप्रिशिएटिंग अवर सेल्फ। So making people feel low, miserable, frustrated, lowering, and ultimately causing permanent loss of opportunity. दोनों में opportunity जा रहा है। जब आप decision नहीं लेते हैं, कौन सी बीमारी की वजह से? 100% accuracy syndrome, loudly बोलिए। क्या नहीं ले रहे? और दूसरी बीमारी, chronic tomorrow syndrome, chronic tomorrow syndrome। इसमें क्या नहीं कर रहे? तो एक तो डिसीशन नहीं ले रहे, दूसरा एक्शन नहीं ले रहे, दोनों की वजह से लगातार आंखों के सामने रोज जून में अपॉर्चुनिटी जा रहा है, रोज जून में अपॉर्चुनिटी जा रहा है, और हमें एक्शन के पहले 100% गारंटीड रिजल्ट चाहिए, वो कोई देने को तैयार नहीं और कोई देगा भी नहीं। एंड देयरफॉर वी से वन डे आई विल एक्सरसाइज, वन डे आई विल डेलीगेट, मैं डेलीगेट करूंगा। कई बिजनेसमैन मेरे साथ काम करते हैं, इन्हों हमारा गुरुकुल बोल के प्रोग्राम में जब मैं बोलता हूँ डेलीगेट नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, डेलीगेट पास बेस क्लाइंट्स, डेलीगेट करने के पहले साले बिजनेसमैन मेरे को पूछते हैं नायर साहब गारंटी दो जिस आदमी को मैंने काम डेलीगेट किया वो बराबर करेगा कि नहीं। वो तो वो करने वाला भी गारंटी नहीं दे रहा है, तू नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन अगर दे देगा तो कम से कम साला कुछ तो वो करेगा। 100 काम तू कर रहा है, अगर तूने किसी को दे दिया डेलीगेट कर दिया तो तू सोचता है कि वो 100 करेगा, लेकिन 100 नहीं भी किया और 75 किया तो भी तेरा हाथ से कितना काम गया,
75 तो गया ना, वो टाइम तू तेरा कंपनी को बनाने में, कंपनी के फ्यूचर के बारे में और कंपनी के सिस्टम के बारे में और कंपनी में नए लीडर लोग को लाने में और कंपनी की विजन के बारे में और अपने हेल्थ के बारे में और अपना फ्यूचर के बारे में और अपने एम्प्लॉइज की कैपेबिलिटी के बारे में तू सोच के बैठा होता, जब तू वो काम डेलीगेट कर दिया होता, 75 काम जिसकी वजह से तेरा टाइम जा रहा था, एफर्ट जा रहा था, वो काम तूने दूसरे से करवा लिया, लेकिन तेरे मन में साला ये गारंटी का जो मॉडल है कि मैं अगर काम दिया तो परफेक्ट होना चाहिए, वो मिस्टेक नहीं करना चाहिए, वो गलती नहीं करना चाहिए, मेरे को नुकसान नहीं होना चाहिए, जब तक तू देगा नहीं, जब तक वो नुकसान नहीं करेगा, जब तक लफड़े होंगे नहीं, तब तक तू सीखेगा नहीं, तब तक तू करेगा नहीं, तब तक तेरे हाथ से वो अपॉर्चुनिटी मिस होता रहेगा, तब तक वो अपॉर्चुनिटी मिस होता रहेगा। जरा याद करो जब रिलायंस ने मोबाइल उतारा था कितने रुपए में, कुछ भी नहीं था, सर्विस नहीं, ये नहीं, बिल नहीं, बुल नहीं, उतार बिलिंग बिलिंग बाद में देखेंगे, सर्विस वगैरह बाद में देखेंगे, उतार तो सही। 2 साल में दे बिकेम नंबर 1, नंबर 2। अगर वो लोग गारंटी मांगते रहते कि हम जो करेंगे उससे लोग हमने को रिटर्न देंगे, इसका कोई भरोसा नहीं। वन डे आई विल डेलीगेट, वन डे आई विल हायर। मैं कभी कभी अपना बिजनेसमैन कम्युनिटी को बोलता हूँ, एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को रखो, उसमें साले वो लोग डेढ़ डेढ़ साल निकाल देते, डेढ़ साल। एक 15-20 हजार वाले का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रखने से 60-70% टाइम एक धंधे वाले का कम होता है। ये मैं साला अपना छाती फाड़ फाड़ के साले लोग को समझाता हूँ। लेकिन उसको लगी है ना वो बीमारी, 100% एक्यूरेसी सिंड्रोम और क्रॉनिक टुमारो से बेचारा क्या कर सकता है, और उसको समझ में भी नहीं आया है कि उसको ये बीमारी लगी। कैंसर वाले को समझ में थोड़ी ना आता है उसको कैंसर है, लास्ट मोमेंट पे जब साला 4th स्टेज में आता है, ऊपर जाने के टाइम पे ही समझ में आता है। लास्ट तक तू समझेगा नहीं कि तेरा कंपनी ग्रेट क्यों नहीं बना और तू ग्रेट क्यों नहीं बन सकता, वो कैंसर के मापा 4th स्टेज में ही समझ में आता है। अनलेस एक्सीडेंटली अगर मेरे ऐसा कोई आदमी तेरे लाइफ में अगर फटका लगा के तेरे से करवा ले वे, क्या वो तेरा ब्रेन का जो मॉडल है जो गारंटी मांगता है वो कोई एक्सीडेंट में साला वो पोर्शन कट जावे, या वहां पर वो पोर्शन में पैरालिसिस हो जावे तेरा ब्रेन का वो पोर्शन जो तेरे से ये 2 बीमारी को जिंदा रखती है, अगर वो पोर्शन पे साला कोई ऑपरेशन हो जावे या फिर KEM हॉस्पिटल या कोई जसलोक या जितने भी बढ़िया हॉस्पिटल है वहां पर वो जो 2 बीमारी का जो सेल है उस सेल को निकालने का कोई स्पेशल ऑपरेशन है, तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा धंधा होगा डॉक्टर लोग का। I will study further at a later date. I will upgrade myself. अंग्रेजी सीखने के बारे में 32 से सोच रहा, अभी 52 का हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा इडियट भी 20 साल में अंग्रेजी पे ठोक बजा के हासिल कर सकता था जीत, पर इसके 20 साल निकल गए क्योंकि वक्त अभी सही आया नहीं अंग्रेजी सीखने। और डायलॉग तो बढ़िया है, मैं तो मराठी मीडियम में था, मैं तो गुजराती मीडियम में था, ये डायलॉग कितने साल से मार रहा बोलता है सर, 40 साल से। 40 साल में दुनिया में आदमी 20-30 लैंग्वेज सीख सकता, तू एक अंग्रेजी पे हाथ, क्योंकि तू उस जमाने के लिए रुका था जब तेरी बीवी जवान हो जाएगी, उसका शादी फिक्स हो जाएगा, फिर तू अंग्रेजी सीखेगा। I will make my business plan one day, another day, because I want it to be at the right time.
And if somebody can guarantee me that this is the right time to make the business plan, I will make it right now. But nobody can guarantee. I will attend the training program later. I will concentrate on sales later. I will focus on my health later. One day I will start my own business. One day when I am no financial pressure, mere upar financial pressure nahi rahega, tab main ek vice president ko lunga ya general manager ko lunga. Tab mere man mein jab koi bhi tension nahi rahega, tab main bade aadmi logon ko milunga. Tab main access chalu karunga. When I have no tension, main bahut sare cheeze karunga. When I have a little more time, when my children grow up, and when the day is the most ideal day, I will do it. 100% accuracy syndrome people suffer from an illness called chronic tomorrow syndrome, and chronic syndrome people suffer from another disease called 100% accuracy syndrome. 100% accuracy वाले को chronic syndrome है tomorrow की, और tomorrow वाले का दूसरी बीमारी है 100%. दोनों साथ में ही चलते हैं, एक के बिना दूसरा चलता नहीं, दोनों साथ में ही चलती है. तो तू decision भी नहीं लेगा और तू action भी नहीं. Both suffer from each. और हर क्षेत्र में चल. So what is the solution? What is the solution? क्या करें भाई? हाथ ऊपर करके one at a time. Yes sir. Yes sir. Take the decision. Yes. Yes sir. Whatever level you are at, start now. Yes, sir. Just do it. Nike का advertisement जो है, just do it. Yes, कारिया. ढाई बजे का मोहरत भी अच्छा है वैसा. Yes. What is the solution? Yes, Jain sir. करके देख, जो होगा देखेंगे. करके देख. Idea आया तो कर देने का. Idea आया तो कर देने का. Yes, sir. Sir, dare to fail. Dare to fail. Dare to fail, yes. Implement now. Take actions and decisions right now. Take action and decision right now. Excuse. But you know, fir wo 100%